गेल की पाइपलाइन के पास रहने वाले ग्रामवासियों के लिए गेल सुरक्षा जागरूकता चलचित्र। आपके अमूल्य सहयोग की अपेक्षा करते हुए मैं देवलाल, जनरल मैनेजर गेल केलारस, गेल मालनपुर पाइपलाइन यूनिट द्वारा शुरू किए जागरूकता अभियान में आपका धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके क्षेत्र से गेल के उच्च दबाव वाली गैस पाइपलाइन बिछाई गई है। इस फिल्म का प्रदर्शन आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इस फिल्म के माध्यम से आपको बताया जाएगा विस्तार में कि गेल सुरक्षा के किन किन उपकरणों का प्रयोग करती है। इसके साथ ही आपको यह भी विस्तार में बताया जाएगा कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपसे किस व्यवहार की उपेक्षा की जाती है। आपकी सुरक्षा और पाइपलाइन के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए हमारे गेल मालनपुर पाइपलाइन यूनिट द्वारा इस जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। गेल इंडिया लिमिटेड, मालनपुर केलारस प्लांट, गैस पाइपलाइन संरक्षा जागरूकता अभियान, गेल इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार के तेल तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक महारत्न संस्थान है। 16 अगस्त 1984 में स्थापित 1800 किलोमीटर HVJ पाइपलाइन से शुरू हुई कंपनी पूरे भारत देश में 15,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन का विस्तार कर चुकी है। इसके अलावा कंपनी द्वारा 2,000 किलोमीटर LPG पाइपलाइन, 7 LPG प्लांट और एक पेट्रोकेमिकल प्लांट संचालित करने के साथ साथ LNG इंपोर्ट, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, CNG और PNG आदि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। गेल द्वारा कई महत्वपूर्ण पावर प्लांट, फर्टिलाइजर प्लांट, CNG स्टेशन और अन्य कारखानों को ईंधन के रूप में गैस दी जाती है। देश की उन्नति को बढ़ावा देने के लिए कंपनी मुख्य भूमिका निभा रही है। गेल द्वारा केलारस मुरैना मध्य प्रदेश से मालनपुर भिंड मध्य प्रदेश के बीच में 12 व्यास की 72 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन बिछाई गई है। यह पाइपलाइन गेल केलारस क्षेत्र के अंतर्गत मालनपुर मेंटेनेंस बेस के अधिकार क्षेत्र में आती है एवं 20 मीटर के RU में बिछाई गई है। यह पाइपलाइन पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन PMP अधिनियम 1962 की आवश्यकता के अनुरूप गैस प्रवाह की दिशा में 5 मीटर बाएं एवं 15 मीटर दाएं के दायरे में बिछाई गई है। पाइपलाइन के प्रचालन और सूचना प्रसारण हेतु ऑप्टिकल फाइबर केबल भी इसी RO में पाइपलाइन के समानांतर डाली गई है। पाइपलाइन को सुरक्षित भागों में बांटने के लिए एक निर्धारित दूरी पर सेक्शनलाइजिंग वाल्व यानी SV एवं IP स्टेशन लगाए गए हैं, जिनमें मुरैना जिले में थारा, बानमौर, मंडालू एवं भिंड जिले में मालनपुर हैं। प्राकृतिक गैस की विशेषताएं। प्राकृतिक गैस एक अत्यंत चलनशील, रंगहीन, गंधहीन गैस है, मगर जहरीली नहीं है। इस पाइपलाइन में प्राकृतिक गैस उच्च दाब पर होती है। यह गैस हवा से हल्की है, अतः रिसाव होने पर वायुमंडल में सीधे ऊपर की ओर उड़ जाती है। यह जैविक ईंधनों में सबसे सुरक्षित ईंधन है। पाइपलाइन मार्कर। पाइपलाइन RO में विभिन्न प्रकार के मार्कर लगे हुए हैं, जैसे कि किलोमीटर मार्कर, बाउंड्री पिलर, डायरेक्शन मार्कर तथा चेतावनी चिन्ह होते हैं, जो पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए हैं। बाउंड्री पिलर 250 मीटर की दूरी पर RO सीमा के दोनों तरफ लगाए जाते हैं। चेतावनी चिन्ह सभी महत्वपूर्ण क्रॉसिंग स्थानों जैसे रेल, सड़क, नदी, नहर तथा RO के पास निवास स्थानों के पास लगाए गए हैं। डायरेक्शन मार्कर पाइपलाइन के मुड़ने अथवा घूमने के संकेत देते हैं। हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग के दौरान ये पाइपलाइन की पहचान करने में मदद करते हैं। ये मार्कर आपकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, अतः पाइपलाइन के साथ साथ लगाए गए इन मार्करों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी भी है।
भूमिगत पाइपलाइन में विद्युत प्रवाह जो कि कैथोडिक प्रोटेक्शन यानी सीपी के नाम से जाना जाता है, जिसकी रीडिंग नोट करने के लिए टीएलपी लगाया गया है। यह विद्युत प्रवाह पाइपलाइन को जंग से बचाता है। प्राकृतिक गैस के लाभ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थ न केवल सीमित है वरन इसके उपयोग से पर्यावरण भी दूषित होता है, इसलिए भारत सरकार प्राकृतिक गैस पर विशेष महत्व देती है और हम सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं। इसी गैस के द्वारा हमारे खेतों में डाले जाने वाले उर्वरक तैयार किए जाते हैं, इसी गैस के द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है एवं बड़े बड़े शहरों में जो वाहन चलाए जाते हैं वह भी इसी गैस के कार्यों में निहित है एवं इस गैस के उपयोग से पर्यावरण भी कम दूषित होता है, जिससे ओजोन परत पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। क्या करें क्या नहीं करें? आरओयू में बिल्डिंग अथवा किसी भी प्रकार के निर्माण का कार्य ना करें। किसी भी प्रकार के टैंक, कुआ, कुंड अथवा डैम के लिए खुदाई ना करवाएं। ईंटों के भट्टे तथा इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कोई वृक्ष न लगाएं एवं अतिक्रमण ना करें। अगर आपके गांव के समीप से कोई नदी या तालाब है और अतिवृष्टि के कारण मिट्टी का कटाव हो जाता है, ऐसी स्थिति में यदि पाइपलाइन दिखने लगे तो उसकी सूचना गेल अधिकारी को टोल फ्री नंबर 15101 पर अवश्य दें। आरओयू क्षेत्र में खुदाई ना करें क्योंकि पाइपलाइन सतह से 1 मीटर के लगभग गहराई में बिछाई गई है। ऐसा करने से पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो सकती है। मकान तथा अन्य संरचना का निर्माण, अनुरक्षण गतिविधियों जैसे कि पैदल पेट्रोलिंग, हवाई सर्वेक्षण और कैथोडिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बाधा है। मार्कर को क्षति ना पहुंचाएं, क्योंकि ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है। पाइपलाइन आरओयू में लगाए गए मार्कर आरओयू की पहचान तथा आपकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। किसी भी मार्कर में अपने पशुओं को ना बांधें, टीएलपी को क्षति ना पहुंचाएं, पाइपलाइन आरओयू क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना करें। एसवी या रेडियो रिपीटर यानी आरआर स्टेशन एक प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में घोषित है, यहां फोटो खींचना मना है। गैस रिसाव की स्थिति में हवा की विपरीत दिशा में भागे। असामान्य परिस्थितियों में जैसे कि पाइपलाइन में गड़बड़ी, गैस का रिसाव आदि की स्थिति में परेशान ना हो और धैर्य से काम लें। गेल अधिकारियों या नजदीकी पुलिस स्टेशन को तुरंत सूचित करें अथवा टोल फ्री नंबर 15101 पर जानकारी दें। PNMP अधिनियम 1962 के अनुसार पाइपलाइन आरओयू के अंतर्गत अतिक्रमण जैसे कि मकान बनाना, कुआं खोदना, टावर्स लगाना, गहरे तने वाले वृक्ष लगाना प्रतिबंधित है तथा ये दंडनीय अपराध है। अधिनियम की धारा 15 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सप्लाई बाधित करने की कोशिश करता है या जानबूझकर पाइपलाइन को क्षति पहुंचाता है तो उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा तथा आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। ये सजा परिस्थिति के अनुसार आजीवन कारावास में भी बदली जा सकती है। अतः आप किसी भी व्यक्ति को कुछ ऐसा करते देखें तो न केवल पाइपलाइन के यंत्रों को नुकसान पहुंचाने से रोकें बल्कि उसे पकड़कर पुलिस के हवाले भी करें। गेल इंडिया लिमिटेड के सभी कर्मचारी गैस पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए पूरी तरह कर्तव्य निष्ठा के साथ समर्पित हैं। हम आपसे अमूल्य सुझाव, व्यवहार व सूचना की अपेक्षा रखते हैं। पाइपलाइन क्षेत्र में किए जाने वाले असुरक्षित कार्यों के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति को गेल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। गेल इंडिया लिमिटेड एवं उसके समस्त कर्मचारी सदैव सुरक्षा के प्रति सचेत हैं और इसी कड़ी में समय समय पर सुरक्षा नियमों एवं सुरक्षा मानकों का परीक्षण एवं प्रचार और प्रसार भी किया जाता है। प्रसार के लिए गेल कई माध्यमों का उपयोग में लाते हैं। इनमें से मुख्य माध्यम है दीवार रंगना, वॉल पेंटिंग, सुरक्षा मानकों और नियमावली के पैम्पलेट बांटना, नुक्कड़ नाटक का मंचन करना, समय समय पर सुरक्षा कार्यशालाओं का आयोजन करना, सुरक्षा प्रचार सामग्री बांटना, सुरक्षा पर आधारित जन चेतना अभियान चलाना,
मॉक ड्रिल्स। इन सब के अलावा भी गेल अधिकारी ग्राम सभाओं तथा पंचायतों के साथ मिलकर ग्रामीणों को सुरक्षा की सूचना, उससे संबंधित नियम एवं कानून की जानकारी, दुर्घटना अथवा किसी आपातकाल की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही, नजदीकी अधिकारियों तक सूचना पहुंचाने के माध्यम आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि गैस पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए आपका अमूल्य सहयोग अपेक्षित है तथा आप और हम इस पाइपलाइन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। गेल मालनपुर केलारस प्लांट द्वारा इस जागरूकता अभियान में भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आप सभी ग्रामवासियों से अपेक्षा करता हूं कि आपने यह फिल्म ध्यान से देखी होगी और इसमें बताए गए सुरक्षा उपायों का आप अनुसरण करेंगे तथा मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि जो व्यक्ति किसी कारणवश इस जागरूकता अभियान में उपस्थित नहीं हो पाए हैं उनको भी आप इन सुरक्षा उपायों से अवगत कराएंगे। अंत में मैं सभी ग्रामवासियों का इस जागरूकता अभियान में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।